नमस्कार, स्वागत है न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज इस शो में बात करेंगे बिहार में शराबबंदी की। बिहार में भले ही पिछले करीब 5 साल में शराबबंदी हो, लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि आज भी बिहार के कोने कोने में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। लगभग हर जगह ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही कई जगह से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। साथ ही कई जगह से लाखों के नोट भी बरामद किए गए हैं, जिसे मतदाताओं के बीच बांटा जाना था। बिहार में काबा की आज की इस कड़ी में देखिए कि कैसे बिहार में शराब और नोटों की खेप बरामद की जा रही है। मगर उससे पहले सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की जुबानी, चुनाव में नेताओं की ओर से नमकीन दारू पौआ बांटने की कहानी। अरे विधानसभा के बा बिहार में चुनौआ जम के चलेला, अरे जम के चलेला नमकीन दारू पौआ जम के चलेला। नेताजी लोग जनता जी लोग के घरे जाके का कहे हो, अरे मीठ मीठ बात बोली तोहे फूसी लई है, झांसा में नहीं आने का। मीठ मीठ बात बोली तोहे फूसी लई है, दुनू रे चरनिया में गिरी गिरी जई है, दुनू रे चरनिया में गिरी गिरी जई है। और का कही है, अरे हमारे पगरिया के, अरे सर के पगरिया के लाज रखब रहुआ जम के चलेला, जम के चलेला नमकीन दारू पौआ जम के चलेला। लुगा चदरा यौरी कम्बल बटवई है, लुगा चदरा यौरी कम्बल बटवई है, संगवा में दुई चार गो फोटो खींचवई है, संगवा में दुई चार गो फोटो खींचवई है। जीतला के बाद का होई, अरे जीतला के बाद होई ठेंगा देखुआ जम के चलेला, हाँ जम के चलेला नमकीन दारू पौआ जम के चलेला। अरे बड़ फार चूनर में चली है खूब झार के, बड़ फार चूनर में चली है खूब झार के, संगवा में दुई चार गो रखी है रंगदार के, अरे आगे पीछे दुई चार गो रखी है रंगदार के। एकरा बाद का होई हो, अरे कुर्ता पैजामा आ सेंट गमा कहुआ जम के चलेला नमकीन दारू पौआ जम के चलेला। विधानसभा के बा बिहार में चुनौआ जम के चलेला नमकीन दारू पौआ। डिलीवरी से आपका हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। वोटर को बोलते हैं पैसे लेके हमें वोट दो, आप पैसा बटेंगे जनता को प्रलोभन दे करके वोट मांगा जाएगा। शराबबंदी लागू किया नीतीश कुमार, लेकिन शराबबंदी तो है नहीं। शराब पैसा ये सब बांट के चले जाएंगे, मुख्य मुद्दा विहीन हो जाएगा। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, भले ही पूरे बिहार में दारू पर पाबंदी हो, लेकिन आज भी बिहार में शहर शहर शराब बिकने की खबरें आम बात है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां धड़ल्ले से शराब ना बिकती हो। प्रशासन भी कई बार शराब की बड़ी खेप जब्त कर चुका है, लेकिन बिहार में शराब बिक्री थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी है।
शराब तस्कर कितने शातिर हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में शराब की जो खेप बरामद की गई है वो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में भरकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने एक पिकअप वैन से इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। हम लोग बदलाव चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग होम डिलीवरी शराब का हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम में नेताजी सब जो है क्या करते हैं, वोटर को बोलते हैं पैसे लेके हमें वोट दो, जहां तहां शराब दे के उनको लुभावना दिया जाता है कि भाई बिहार में शराबबंदी कहाँ है। अगर शराबबंदी होता तो बिहार में शराब मिलता ही नहीं। यहाँ तो जिस टाइम में ओपन शराब बिक रहा था उससे ज़्यादा शराब तो देखते हैं कि वैसे बिक रहा है। खुल के लोग जो है लोग पीते हैं शराब, महंगा रेट पर शराब बिक रहा है। अरे विधानसभा के बा बिहार में चुनौआ जम के चले ला, अरे जम के चले ला नमकीन दारू पौआ जम के चले ला। न सिर्फ शराब बल्कि चुनाव में पैसे बांटने की भी कई खबरें सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है तो वहीं बेतिया और राजधानी पटना से लाखों की नोट के साथ नेताजी पकड़े गए हैं। बेतिया के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता लोगों के बीच पैसा बांटते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश सचिव सौरभ घोघा इलाके में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान कई दर्जन बाढ़ पीड़ितों को सरेआम पैसा बांटते नजर आए। आरोप है कि नेताजी ये बाढ़ की आड़ में पैसों के बदौलत वोट बैंक तैयार कर रहे थे। लुगा चदरा यौरी कंबल बटवई है, लुगा चदरा यौरी कंबल बटवई है, संगवा में दुई चार गो फोटो खींचवई है, संगवा में दुई चार गो फोटो खींचवई है। जीतला के बाद का होई? अरे जीतला के बाद होई ठेंगा देखौआ जम के चले ला, हाँ जम के चले ला नमकीन दारू पौआ। वही पटना में पिछले महीने 27 सितंबर को एक आरजेडी नेता और होटल कारोबारी की गाड़ी से 75 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि नेताजी टिकट के दावेदार थे, हालांकि आयकर विभाग फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शराब और नोट कुछ इलाकों से जब्त किए गए हैं, कई जिलों में धड़ल्ले से ऐसा चल रहा है। हालांकि मतदाताओं की माने तो वो ना तो शराब के बदले और ना पैसे के बदले अपना वोट देंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी सिर्फ अतीश पर है, मौखिक बंदी नहीं है। वो तो होम डिलीवरी है, शराब होम डिलीवरी है। एक कॉल कीजिए आपके यहाँ शराब पहुँच जाएगा, डबल पैसा लेकर के शराब मिलता है यहाँ। जरूर बटेंगे, शराब पैसा बटेंगे, जनता को प्रलोभन दे करके वोट मांगा जाएगा। नेताजी आएंगे हमारे बीच, शराब पैसा ये सब बांट के चले जाएंगे, मुख्य मुद्दा विहीन हो जाएगा, जिसके कारण मुद्दा से भटक करके लोग वोट देंगे। शराब बंदी लागू किया नीतीश कुमार, लेकिन शराब बंदी तो है नहीं, वो तो अभी होम डिलीवरी चल रहा है। इसलिए जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए, जो काम कर रहा है उसको वोट मिलना चाहिए, यही सब होना चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, युवा को सारा सुविधा चाहिए, सुख का सुविधा चाहिए, रोड चाहिए, नाला चाहिए, ये सब चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। दारू और पैसे के आधार पर वोट नहीं बिकना चाहिए, इस बार ये सब नहीं होने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में जब से शराब बंदी हुई है तब से अब तक लाखों लीटर शराब जब्त किए जा चुके हैं।
करोड़ों के नोट बरामद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ना तो शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हुई है और ना ही चुनाव में पैसे बांटने का सिलसिला। नेताजी लोग जनता जी लोग के घरे जाके का कहे हो, अरे मीठ मीठ बात बोली तो है फूसी लई है, झांसा में नहीं आने का। मीठ मीठ बात बोली तो है फूसी लई है, दुनू रे चरनिया में गिरी गिरी जई है, दुनू रे चरनिया में गिरी गिरी जई है। और का कही है, अरे हमारे पगरिया के, अरे सर के पगरिया के लाज रखब रहुआ, जम के चले ला, जम के चले ला नमकीन दारू पौआ, जम के चले ला। मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार, बेतिया से धनंजय द्विवेदी, समस्तीपुर से प्रमोद कुमार और अररिया से अरुण कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज 24।